यूपी के सुल्तानपुर में जिला महिला अस्पताल में आज ओटी के पास स्थित कैलेबर रूम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई और भर्ती मरीज जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि फायर ब्रिगेड के आने तक अग्निशमन सिलेंडर का प्रयोग कर आग पर काबू पा लिया गया था। जिस स्थान पर घटना हुई है वहां से चंद कदम की दूरी पर ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। ऐसे में आग अगर विकराल रूप ले लेती तो आज मंजर कुछ और ही हो सकता था। गौरतलब है कि जिला महिला चिकित्सालय में आग लगते ही हड़कंप मच गई। अंदर मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों में दहशत समा गई और लोग भागते नजर आए। जब तक फायरकर्मी मौके पर पहुंचते, हॉस्पिटल में मौजूद संयंत्रों से आग बुझाने का प्रयास किया गया। इस समय चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन थिएटर में लगा ऑटो कैलेबर का कमरा होता है, उसमें पावर लाइन में कहीं से स्पार्किंग हुई। उस समय वहां डॉक्टर भट्ट मौजूद थे, उन्होंने तुरंत सूचना दी और हमारे पास CO2 सिलेंडर थे, उससे आग बुझाने की कोशिश की गई और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। उनके आने तक लगभग आग बुझ गई थी, लेकिन काफ़ी धुआं भर गया था जो अभी भी कमरे में भरा हुआ है। लेकिन क्षति कितने की हुई है, क्या हानि हुई है, ये बता पाना अभी मुश्किल है। यहाँ पे जो है इक्विपमेंट्स वगैरह ऑटोक्लेव किए जाते हैं, तो ऑटोक्लेवर में जो पावर लाइन होती है उसमें कहीं से स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग होते ही जो है हमारे सर्जन वहाँ पे डॉक्टर भट्ट जो है उन्होंने तुरंत संयोग से, मैं भी इस समय जिला महिला चिकित्सालय में ही था और पम्सा एक होता है उसका मैं निरीक्षण कर रहा था, सूचना दी गई और तुरंत हमारे हॉस्पिटल में जो भी सिलेंडर्स हमारे पास होते हैं CO2 वाले सिलेंडर होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उससे हम लोगों ने उसको बुझाने की कोशिश किया और इन द मेन टाइम जो है फायर वालों को सूचित किया और तुरंत आके उन्होंने, हालांकि उनके आने तक जो है लगभग बुझ गई थी लेकिन कि फिर भी जो है धुआं काफ़ी भर गया था, लाइट वगैरह तुरंत हम लोगों ने ऑफ करा दी थी। तो चूंकि हमारे पास जो है CO2 के सारे उसमें जो है फायर एक्सटिंग्विशर के जो है सिलेंडर्स लगे हुए हैं, सारे हमने मैक्सिमम सिलेंडर्स कलेक्ट करा लिए थे और अब चीज़ें नियंत्रण में। सुल्तानपुर से Now44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज